बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। द लिक्विड एक्सपेंड मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज। मरकरी एंड अल्कोहल आर यूज इन थर्मामीटर। हाउएवर, एज द बॉइलिंग ऑफ मरकरी इज वेरी हाई एंड इट्स एक्सपेंशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, दैट इज वाई इट इज प्रेफर ओवर अल्कोहल। वी ऑल्सो डिस्कस द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। लिक्विड इन जनरली एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, बट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ अदर लिक्विड्स। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग, एंड व्हेन इट इज फर्दर हीटेड फ्रॉम 4 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एक्सपेंड जस्ट लाइक अदर लिक्विड। In the same way, when water is cooled down from 100 to 4 degree centigrade, it contracts, but it is further cooled from 4 to 0 degree centigrade, it expands and the volume is increases. This increase in volume of water is actually called as peculiar or anomalous behavior of water. And the last one we discuss about thermometer. What is thermometer? Instrument used for measuring temperature is called thermometer. A common thermometer is very in everyday use, consists of glass bulb connected to a thin glass tube called capillary tube. The glass bulb is usually filled with mercury. The capillary tube surrounding by a thick graduated glass tube called stem. And the capillary tube has constriction just above the bulb, which prevents the mercury from falling back to the expansion. This is all about the previous lecture. Now in this lecture we discuss about the types of scale which we are using in our daily life. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्लिनिकल टेम्परेचर की थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लिनिकल में दो किस्म के स्केल्स यूज़ होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इन क्लिनिकल थर्मामीटर टू स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर यूज्ड। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो किस्म के स्केल यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं सेंटीग्रेड स्केल एंड फेरनहाइट स्केल। सेंटीग्रेड स्केल एंड फेरनहाइट स्केल। व्हाट इज सेंटीग्रेड स्केल? इन दिस स्केल द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, इस स्केल के जो सबसे लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट होगा, इस स्केल का जो सबसे लोएस्ट या लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट होगा, या जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस जिसको बोलेंगे, उसको मार्क किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये स्केल आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। इन दिस स्केल द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्केल का जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है, वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका सबसे अपर स्टैंडर्ड पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, उसको मार्क किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर? लोएस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट आर वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन टू से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। किसका? वाटर का। फिर यहाँ पर स्टूडेंट, इन 0 to 100 के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं ये तो आपको पता है। 0 to 100 में आपके पास
इक्वली 100 इक्वल पार्ट्स में इस स्केल को डिवाइड किया गया है, मीन टू से 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके बीच में 100 इक्वल पार्ट्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इन टू 100 इक्वल पार्ट्स। ये जो स्केल है इन दोनों स्टैंडर्ड पॉइंट के बीच में, इन दो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट के बीच में आपके पास 100 स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट को हम कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको डिनोट करते हैं सी, उसके ऊपर डिग्री। सी स्टैंड फॉर सेंटीग्रेड एंड दिस डिग्री, डिग्री सेंटीग्रेड। हर इक्वल पार्ट को हम डिग्री सेंटीग्रेड का नाम देंगे और डिनोट करेंगे सी इंटू डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल, दैट इज कॉल्ड फेरनहाइट स्केल। इन दिस स्केल स्टूडेंट द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क एज 32 फेरनहाइट डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट होगा उसको 32 फेरनहाइट मार्क किया गया है, या हम कह सकते हैं इस स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा उसको 32 फेरनहाइट डिग्री मार्क किया हुआ है, और इस स्केल का जो सबसे अपर स्टैंडर्ड पॉइंट है या इस स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस स्केल के ऊपर है वो 212 फेरनहाइट डिग्री कंसिडर किया गया है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इज दैट क्लियर? इन दिस स्केल द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट और वी कैन से दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क एज 32 फेरनहाइट डिग्री एंड द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर इज मार्क एज 212 फेरनहाइट डिग्री एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज़्यादा करेंगे तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। और यहाँ पर स्टूडेंट इन दो 32 to 212 के बीच में जो पार्ट्स हैं वो आपके पास 180 इक्वल पार्ट्स हैं। इन दोनों लोअर स्टैंडर्ड और हाईएस्ट स्टैंडर्ड पॉइंट्स फिक्स पॉइंट के बीच में आपके पास 180 इक्वल पार्ट्स हैं। स्टूडेंट अक्सर ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं कि फेरनहाइट स्केल में आपके पास फेरनहाइट स्केल को कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो योर आंसर इज 180 इक्वल पार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इन टू 180 इक्वल पार्ट्स एंड सच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री फेरनहाइट। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो दो स्टैंडर्ड पॉइंट हैं इनके बीच में आपके पास 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट को हम कहते हैं डिग्री फेरनहाइट, और इसको डिनोट करते हैं एफ, उसके ऊपर डिग्री का साइन होता है। सो दिस इज फेरनहाइट स्केल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर काम किस तरह करते हैं उसको देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट व्हेन थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग इन द माउथ और इन द आर्म पिट द मर्करी एक्सपेंड इन टू द कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब कभी भी आप थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रखते हैं या आर्म के नीचे रखते हैं तो आपके पास मर्करी जो थर्मामीटर के अंदर होते हैं वो एक्सपेंड हो जाता है। किसकी वजह से एक्सपेंड होते हैं? ड्यू टू हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की हीट की वजह से आपके पास क्या होता है, उस थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एंड आफ्टर 2 मिनट व्हेन द थर्मामीटर इज रिमूव्ड, जब आप 2 मिनट के बाद थर्मामीटर को रिमूव करते हैं तब आपके पास जो आपके पास एक्सपेंड मर्करी होता है वो आपके पास कैपिलरी ट्यूब के अंदर उसी कुछ टाइम तक स्टे करता है, जिसकी मदद से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इज दैट क्लियर? जब कभी भी हम थर्मामीटर को अपने
ज़बान के नीचे रखते हैं या बगल के में रखते हैं, तो आपके पास उसके अंदर जो मरकरी होता है वो एक्सपेंड होता है ड्यू टू द हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू रिमूव मरकरी, द एक्सपेंड मरकरी स्टे इन द कैपिलरी ट्यूब फॉर सर्टन टाइम विच शो द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। एंड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो स्टूडेंट आपने ये लाजमी अपने ब्लैंक्स के लिए याद रखना है, अक्सर बोर्ड के ब्लैंक्स में आपसे ये बात पूछी जाती है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है और फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और हमेशा आपके पास मोस्टली इस पर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो इस ऑल क्वेश्चन को आपने याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लेंसेज। व्हाट इज लेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल अ लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। जो भी आपके पास बच्चों लेंस होता है ना, वो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल से बनाए जाते हैं, शफाफ मटीरियल से बनाए जाते हैं, जैसा कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंड हैज़ वन आर बोथ साइड कर्व। या तो इस लेंस के एक साइड कर्व होता है या दोनों साइड कर्व होते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे साइड कर्व क्यों रखते हैं, तो इसकी भी रीज़न है। तो व्हाट इज़ लेंस? लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल सच इज ग्लास और प्लास्टिक एंड विच हैज़ वन साइड और बोथ साइड कर्व, जिसके एक साइड कर्व या दोनों साइड कर्व होती हैं। अगर हम लेंसेज की मेन टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के टाइप मेन टाइप्स हैं लेंसेज की। एक को कहते हैं कन्वेक्स लेंस और दूसरों के कहते हैं कनकेव लेंस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस? तो आज के लेक्चर में हम जस्ट एक ही लेंस को डिस्कस करेंगे, जिसकी जो है कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज कन्वेक्स लेंस? ये आपको जो फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास स्टूडेंट इसका जो मिडल रीजन है, ये आपके पास थिनर है, और आपके पास ये जो इसका मतलब एज वाला रीजन है वो आपके पास मिडल रीजन इसका थिकर है, सॉरी मोटा है, और जो एज वाला रीजन है ये एज वाले ये आपके पास थिनर है। तो ऐसा लेंस जिसके मिडल रीजन थिकर हो और एजेस आपके पास थिनर हो, इस लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जिसके मिडल रीजन मोटे हो और एजेस पतले हो, इस लेंस को कहते हैं कन्वेक्स लेंस। अ लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। Is that clear? Now, when the parallel rays pass through the convex lens, they convert at a point that is called focal point. जब कभी भी आपके पास parallel rays जो हैं convex lens से pass होती हैं, तो convex lens इसको एक point पर converge कर देता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि parallel rays आ रही हैं, तो ये इन रेज को एक पॉइंट पर क्या कर रहे, कन्वर्ज कर रहे। तो इस पॉइंट जहाँ पर आपके पास पैरेलल रेज कंबाइन होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट। ये बात क्लियर है? यहाँ से लेकर मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपके पास पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट। When parallel rays pass through the convex lens, they convert at a point that is called focal point. और जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जितनी भी parallel rays आ रही हैं वो आपके पास converge हो रही हैं, तो that's why it is also called as converging lens. Convex lens is also called as converging lens. So dear student, आज के lecture में इतना ही। I hope all main points are clear now. Now let's revise some of the main points of today lecture. Dear student, in this lecture we discuss about the scale of temperature. Basically there are a lot of scales for the measurement of
temperature, but we study that in clinical temperature thermometer, two scale for the measurement of temperature are used. First is centigrade scale and second one is Fahrenheit scale. Types of scale. There are basically two types of scale. First is called degree centigrade and second one is called Fahrenheit scale. What is degree centigrade scale? In this scale, the lower standard point or freezing point of ice is marked as 0 degree centigrade and the upper standard point or boiling of water is marked as 100 degree centigrade at normal atmospheric pressure. The distance between these two fixed points is divided into 100 equal parts and each part or division is called degree centigrade and denoted by C into degree. Next is Fahrenheit scale. In this scale, the lower standard point or freezing point of ice is marked as 32 Fahrenheit degree and the upper standard point of boiling of water is marked as 212 Fahrenheit degree at normal atmospheric pressure. The distance between these two fixed points is divided into 180 equal parts and each part or division is called degree Fahrenheit denoted by F into degree. Third main point is working of thermometer. When the thermometer is placed under the tongue in the mouth or in the armpit, the mercury expands into the capillary tube due to heat of human body. Usually after 2 minutes when the thermometer is removed, the expanded mercury stay beyond in the capillary tube and show the temperature of a body. The normal human body temperature is 36.9 degree centigrade or 98.4 Fahrenheit degree. And the last main point is lenses. What is lenses? Lenses are transparent materials which are made up of glass or plastic and has one or both side curve. There are mainly two types of lenses that are convex and concave lens. We study about the convex lens, a lens which is thick at middle and thinner at the edge are called convex lens. And when the parallel rays pass through the convex lens, they convert at a point called focal point. As we see that this lens converts the parallel rays, so that's why it is also called as converging lens. So this is all about the main points of today lecture. Now dear student, before going to homework, you should memorize the scale of temperature like Fahrenheit and degree centigrade scales and जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वो आपने ब्लैंक्स के लिए याद रखना है. इसके अलावा कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड डैश लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इस तरह ये पॉइंट आपको याद रखना है. ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पर एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं. इसके अलावा एक पॉइंट और बताया था ब्लैंक के लिए कि आपके पास फेरानाइट स्केल में दो फिक्स पॉइंट के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 180 इक्वल पार्ट होते हैं, ये आपने ब्लिंक्स के लिए याद रखना है. और इसके अलावा डिग्री सेंटीग्रेड का तो आपको पता है 0 to 100 के बीच में 100 ही मेन पॉइंट, 100 आपके पास इक्वल पार्ट्स होते हैं. तो चलिए होमवर्क पे आते हैं. आपका होमवर्क के स्टूडेंट, हाउ फेरानाइट स्केल इज डिफरेंट फ्राम सेंटीग्रेड स्केल, इन दोनों स्केल के बीच में आपने डिफरेंस बताना है कि आपके पास फेरानाइट स्केल क्या होता है और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल क्या होते हैं. जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए वो सारे आपने लिखने फेरानाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के, और आपने रफ प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर लिखने, नीट कॉपी के ऊपर नहीं लिखने. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. आई होप ऑल मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर इज क्लियर नाउ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this lecture, you should ask. And next lecture tak ke liye apna khayal rakhiyega. Thanks and Allah Hafiz.